देखे स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है, ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। ए जो है वो इन्वेस्ट 25 लाख एंड एड अनदर फंड एड अनदर 10 लाख आफ्टर 1 ईयर। बी जो है वो 35 लाख इन्वेस्ट करता है एंड विड्रॉ 10 लाख आफ्टर 2 ईयर, मतलब 2 साल के बाद 10 लाख जो है वो विड्रॉ कर लेता है। एंड सी इन्वेस्ट 30 लाख, तो इन व्हाट रेशियो प्रॉफिट बी डिवाइड आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब 3 साल के बाद इसका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। सो ए इज रिच टू बी इज रिच टू सी इज इक्वल टू 25 ईयर्स टू 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज जो है वो 1 साल के बाद वो 10 लाख ऐड कर देता है। सो 35 लाख हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 2 साल के लिए 35 उसका इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर जो है दूसरा हो जाएगा 35 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10 लाख विड्रॉ कर लेता है। सो 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर इज रेस टू सी जो है वो है 30 मल्टीप्लाई बाय 3। सो यहाँ पर इसका जो इन्वेस्टमेंट है जो हो जाएगा 95 लाख इज रेस टू 95 लाख इज रेस टू 90। अब देखते हैं सबके पीछे 5 है, सो 5 से डिवाइड कर देते हैं। सो 19 इज रेस टू 18 जो है वो निकल के आता है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 19 इज रेस टू 19, 18 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी 39।